बहुजन समाज पार्टी के पूर्व महामंत्री दारा सिंह निषाद ने समाजवादी पार्टी के नेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि सपा नेता गैर कानूनी तरीके से दूसरे व्यक्ति का असलहा प्रयोग कर रहे हैं, जो नियम विरुद्ध है। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सभागार में पत्रकार वार्ता में दारा सिंह निषाद ने कहा कि सपा के नेता जो इस समय गोरखपुर सदर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, वे कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए उस व्यक्ति का असलहा प्रयोग कर रहे हैं जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इस मामले को जिलाधिकारी को भी अवगत करा दिया गया है। उन्होंने शासन प्रशासन से मामले की जाँच कराकर उचित कार्रवाई की मांग की है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दारा सिंह निषाद ने कहा, मामला शस्त्र लाइसेंस का है। 5 तारीख को मैं डीएम कार्यालय पर मुकदमे पैरवी में गया हुआ था, जो कि राम भुवाल निषाद का मुकदमा वहाँ चल रहा था, और उस मुकदमे में कैंसिलेशन के लिए थाने से लिख के आया था। जो लाइसेंस नंबर उनका है 3912, जिस लाइसेंस राइफल का ले के चलते हैं, वह लाइसेंस दूसरे के नाम से अलाट है, बेचू यादव के नाम से, और उसका फर्जी दस्तावेज तैयार करा करके और ये फर्जी तरीके से वहाँ ऑफिस में चढ़वा करके और उसको ले कर चल रहे हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच करा करके मुकदमे की, जो फर्जी तरीके से ले कर चल रहे हैं लाइसेंस, इसका जांच करा करके इनके खिलाफ FIR हो और कानूनी कार्रवाई हो। तो बेचू यादव कौन है, कहाँ है? बेचू यादव की मृत्यु हो गई है, और वो यादव हैं और ये निषाद हैं, इनके परिवार का नहीं है। ट्रांसफ़र होता है, लेकिन बाप के मरने के बाद बेटे का वरासत होता है। नहीं, ट्रांसफ़र नहीं होता है, ट्रांसफ़र नहीं होता है। किसी की डिग्री कोई दूसरे को नहीं दे सकता है। उसी तरह से ये सरकारी चीज़ है, सरकार आपके हमको दी है तो हम ही लेकर के चलेंगे, और इसके बाद अगर हमारी मृत्यु होती है तो हमारे लड़के को ट्रांसफ़र हो सकता है, दूसरे को नहीं हो सकता है। अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं यहाँ से, गोरखपुर शहर से। डीएम साहब को मैं एक प्रार्थना पत्र दिया हूँ, जिसकी कॉपी आप मीडिया बंधुओं को सबको दे रखा हूँ, उसमें सारा ब्यौरा अच्छी तरीके से लिखा गया है। डीएम साहब ने कहा कि इसकी हम जांच करवा रहे हैं और जांच करा करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। मुकदमे में पैरवी मत करिए, 20 लोगों के साथ गुंडों के साथ आ रहा है, कराए आपकी हत्या करा दी जाएगी। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम हमारी सुरक्षा भी हो और इनकी जांच करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो। हमारा दारा सिंह निषाद नाम है, और मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिला महामंत्री रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। विवाद हुआ था 2004 में इनसे हमारा उनका, जब ये समाजवादी पार्टी में मंत्री थे, और उस समय भी मैं बहुजन समाज पार्टी का झंडा धोता था। ये समाजवादी पार्टी में चले गए, हमारे ऊपर दबाव बनाने लगे कि आप भी चलिए हमारे साथ। जब हम नहीं गए तो हमारे भाई को गोली मार दिया, और इसका मुकदमा पंजीकृत हुआ, चल भी रहा है, गवाही चल रही है।